तर पातशाह जी जिन्हां ने परमेश्वर वाहिगुरु जी के हुक्म के अंदर तुर के उस वाहिगुरु जी की सिफत सलाह नूं किवें अपने मन अंदर तन अंदर वसाउणा है उस नूं बयान कीता। हजूर दे जीवन के अंदर बहुतात जीवन जेड़ा के केवल मैं बाहरी पाख रख रहा हाँ अंतरीव नगी वो बाहरी पाख जिस बाहरी पाख तो मनुख प्रभावित होंदे ने वो पाख जिस पाख नूं हर बंदा लोचदा के साहब सचे सतगुरु जी ने तकरीबन 29 साल का समा आनंदपुर साहब की नगरी के विच बतीत किया। तो उस 29 साल के समय के अंदर मेरे सचे सतगुरु जी ने परमेश्वर नू वाहिगुरु नू कदी भी मन अंदरों भुलाया नहीं। एक गल नू हमेशा अपने मस्तक दे विच पा के तुरियो जे कि जदों किसी मनुख नू इतना धन मिल जावे इतनी दौलत मिल जावे इतनी शौहरत मिल जावे कि उस धन दौलत ते शौहरत नू वेख के उस नू परमेश्वर विसर जावे अपना घर अपना परिवार अपनी ताकत नज़र आवे ते ओ मनुख कदी भी किसी का दुख नहीं मंडा सकता कदी किसी दे दुख नू समझ नहीं सकता। ते मालक जी अपने अमृतमई बचना दे अंदर ये रहमत करदे ने भगत जी दे ये अमृतमई बचन ने सो कत जाने पीर परागी जां कै अंतर दर्द ना पाई जिदे अंदर किसी चीज़ की पीड़ा नगी किसी दे दुख नू दुख देख के कोई किसी दे मन किसी दे अंदर विचार जिन्हों कहीए भावक नहीं होंदे मालक जी आखते ने वह कदी किसी की पीड़ा नू समझ ही नहीं पावेगा। गुरु कलगीधर पातशाह जी दे अंदर मनो लताड़े जांदे निमाणे लोकां दे अंदर दी जिहड़ी पीड़ा के ओ पीड़ा नू समझण दी सतगुरु जी दे कोल समर्था के ते मालक जी उस समर्था दे नाल गुरु कलगीधर पातशाह जी आनंदपुर साहब दी नगरी दे विच वसदे ने ते ओ नगरी दे अंदर रह के भी भावें सचे सतगुरु जी सर्ब कला समर्थ ने सतगुरु जी दे अंदर असी कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं है। कमी हुंदी है मनुखां दे अंदर सतगुरु जी धन पक्षों भी सर्ब कला समर्थ ने पत पक्षों भी सतगुरु जी से संसार दे अंदर जय जयकार हो रही है। परिवार पक्ष तो भी कोई दुख नकी सारे ही सुख सचे साहब जी दे कोल मौजूद ने पर उन्हां सुखां दे अंदर परमात्मा नहीं विसरिया। देखो जदों किसी चीज़ की बहुतात हो जाए जदों कोई चीज़ हद बन्ना पार कर जाए तो मनुख उस थान दे उत्ते आके डोल जांदा है। जिवें मनुख नूं बहुत सारे सुख मिले ते मनुख डोलिया कित्थों डोलिया परमात्मा दे मार्ग तो डोल गया। जे बहुत सारे दुख मिले तां वी मनुख दे मन अंदर परमात्मा दे लई जिहड़ियां शिकायतां ने शिकवे ने उन्हां दे नाल मनुख भर गया गए। पर मेरे साहिबे कमाल गुरु कलगीधर पातशाह जी आनंदपुर साहब की धरती दे उत्ते रहिंदे ने बादशाही जीवन गए सतगुरु जी दे अगे सजदा करन वालियां दियां कतारां ने सतगुरु जी दे चरण बोसी करन वाले जेडे हजारां ही मनुख ने पर फिर भी गुरु कलगीधर पातशाह जी ये अरदास करते ने सोई करावै जो तुद भावै मोह सियाणप क
कछू ना आवै। ये किड्डी निम्रता है मेरे गुरु कलगीधर पातशाह जी के जीवन की कि मनुख अपने जीवन के अंदर उस रुतबे का मालक होवे जिस रुतबे दे लई आम मनुख हाथ पैर जोड़ता के गिड़गिड़ा के। पर गुरु कलगीधर पातशाह जी जिंदगी दियां इतनिया उचाइयां दे उत्ते बैठे हुए भी यही गल कह रहे ने कि सोई करावै जो तुद पावै मोहे सियाणप सच वाहिगुरु जी मोहे सियाणप कछू ना आवे। गुरु कलगीधर पातशाह जी आखते ने कि मालक जे राज दिता सी तां वी तेरा शुकराना गए, जे तख्त बिठाया सी तां वी शुकराना गए, ते जे उस तख्त नूं त्यागण दी गल आई ते मेरे मालक जी ने गुरु कलगीधर पातशाह जी ने इको पल अंदर फैसला कर दिता। हालांकि 29 साल सच्चे सतगुरु जी उस आनंद दी नगरी दे अंदर वसे ने। 29 साल दे अंदर मनुख दे अंदर मोह दियां तंदां किन्नियां पक जांदियां ने ए असी भली भांत जानदे हाँ, पर उन्हां 29 सालां दे लमेरे समें ने ते उस समें दे विच मिले हुए बाहरी पख दे जिहड़े सुख सन ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੈਂ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੈਜ। ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਤ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਪਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਰਥਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨੇ।
कि साड़ी प्रतिपालना परमात्मा करदा है ते जिवें वाहिगुरु का हुक्म हुंदा है तिवें ही ये जी करदा है। फिर उस तरह ये मनुख अपने जीवन के अंदर मालक की रजा नूं परमेश्वर के हुक्म नूं सिर मत्थे दे उत्ते प्रवान करदा है। उदे हुक्म की कदी भी उलंघना नहीं करता, कदी भी परमात्मा तो बेमुख नहीं कुंदा। ते सच्चे साहब गुरुदेव महाराज जी ये बख्शिश करते हैं कि पतत पावन प्रभ नामा, मालक तेरा नाम ही ऐसा है जेड़ा इस नाम नू जपदा वो पतता तो पावन बन जाता है। फिजिकल भाव शरीरिक तौर दे उते कोई तब्दीली नहीं, पर मन जो मन सारे शरीर नू चलाउन वाला है उस मन दे अंदर तब्दीली आ जाती है। वो तब्दीली की उस मन दे अंदर परमात्मा बस जाता है, परमेश्वर बस जाता है। उस परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख की कृपा ते उन्हां नू समझ लग जाती है। जे मंगना ही है तो परमात्मा तो मंगीए, जे झुकना ही है तो परमात्मा दे अगे झुकीए। ते हजूर जी आखते ने संतो केवल आप ही नहीं जपते, होरना नू भी हुक्म करते ने संतो हर 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 आराधो हर आराध सभो किछ पाइए कारज सगले साधो। हे गुरमुखो हरी नू परमात्मा नू परमेश्वर नू चेता करो, परमेश्वर दी याद दे अंदर जुड़ जावो, क्योंकि हरी परमात्मा नू याद करके सारे सुख प्राप्त हो जांदे ने। ते सच जाणियो मेरे गुरु कलगीधर पातशाह जी, मेरे दातार गुरदेव महाराज जी अज दे दिन माछीवाड़े दे जंगलों दे अंदर गुरु कलगीधर पातशाह जी जिन्हां दे पैर जोड़ा नकी, घोड़ा भी उन्हां दे कोल कोई नकी, कुछ भी उन्हां दे कोल नकी, ते मेरे सच्चे सतगुरु गुरदेव पातशाह जी फिर भी माछीवाड़े दे जंगलों दे अंदर बिल्कुल इतमिनान दे नाल उसे तरह लेटे ने जिमें आनंदपुर नगरी दे अंदर आराम करते। हालांकि सतगुरु जी पिछले तीन दिनों तो निंद्रे ने हजूर गुरदेव पातशाह जी शरीर करके मैं गल कर रहा हाँ, पर मेरे मालक गुरदेव पातशाह जी का शुकराना करते ने। असी बचन पढ़े ने ना, वो बचन उत्थे ही बयान किए गए सन। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दे ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना। सतगुरु गुरदेव पातशाह जी इस गल नू भली भांत जानदे ने कि जे परमात्मा हाडी साडी जिंदगी दे विचों असी उस वाहिगुरु जी नू अपनी जिंदगी दे विचों एक पासे कर दईए, फिर नाग निवासियां दे रहना, सारे सुख नाग वांग डंग मार दे। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे अमृतमय बचन ने बड़े प्रेम दे नाल उन्हां बचनां नू सरवण करन दी किरपालता करनी, गुरु कलगीधर पातशाह जी रहमत करन किते साडे उत्ते। मेरे मालक जी अमृतमय बाणी दे अंदर ये रहमत करदे ने, 105 अंग दे उत्ते बचन है माझ की वार दे अंदर। माल वाहिगुरु जी माझ महला पंजवां, मालक जी आखते ने जिथै नाम जपिए मेरे प्यारे। हजूर गुरदेव पातशाह जी ने बचन की लाया, जिथै नाम जपिए प्रभ प्यारे, प्रभ प्यारे, जिथे परमात्मा दे प्यारे बैठ के परमात्मा की बंदगी करते ने, उन्हें चेता करते ने, उन्हें याद करते ने। गल याद करन दी आई है, जिथे परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख की याद है। ते हजूर ने आख्या से अस्थल सोइन चबारे,
अस्थल कहिंदे ने रड़ा मैदान, जां इंज कह दिए जिथे कोई सुख सहूलत नकी, जिथे कुछ भी नकी गए, बिल्कुल उजाड़ गए, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, जिथे परमात्मा दे प्यारे वाहिगुरु दे प्यारे बैठ के परमात्मा दी याद दे विच जुड़ जांदे ने, से अस्थल सोइन चबारे। ओ रड़े मैदान सोने दे चबारियां तो भी ज़्यादा कीमती बन जांदे ने। ते हजूर ने अगे बचन आखे ने, मालक जी आखते ने जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा, हे वाहिगुरु गे मेरे दाता, जिथे हरि प्रभु परमात्मा तेरे नाम का जिक्र तक भी नहीं कुंदा, समझ लेना सही नगर उजाड़े जीओ। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों असी उन्हां दे बचन पढ़ते हैं ना, मेरे मालक जी आखते ने कि जिथे परमात्मा की याद नकी, जिथे परमात्मा का चित चेता भी नकी, हर विसरत तेरे गुण गलिया। चेता रखी हरी नूं विसर दिया सार, हरी नूं भुलाउंदिया सार, तेरे अंदर जिहड़े हरी दे मिलाप वाले गुण ने वो गुण सारे विसर जाणगे, गल जाणगे। हर विसर तेरे गुण गलिया, तेरे गुण गल जाणगे, ये मेरे साहब गुरुदेव महाराज जी आखते हैं। जिथे परमात्मा की याद नहीं, जिथे परमेश्वर का भाणा मनण वाली गल नकी, मालक जी आखते ने सही नगर उजाड़े जीओ। पंचम गुरुदेव पातशाह जी बारह माह के अंदर ये बयान करते ने, साहब जी आखते ने पट नगर से ग्राम, पट वो भट्ठियां वर्गे ने, नगर से ग्राम केड़े नगर, जिथे परमात्मा की याद नकी, जिथे परमेश्वर का चिंतन नकी। ते मेरे मालक जी आखते ने कि खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जी। जेड़े मनुख दुनिया के पदार्थ खा खा के बुरे ही कम करता रहिंदा गे, उसनू जहर दी बगीची जाण। ते जिहदे जीवन के अंदर, जिहदे आचरण के अंदर, जिहदे किरदार के अंदर गिरावट आ गई है, ते सच जाण्यो गुरमुख प्यारियो, वह कदी किसी का भला नहीं कर सकता। मालक की बाणी कहती है भला करना तो बड़ी दूर की गल, वह भले पुरखां दे नाल कुछ समा बह भी नहीं सकता। तो हजूर ने उत्थे बचन आखे, संतां सेती रंग ना लाए। रंग दे अर्थ ने प्यार, प्यार का मतलब समझते हैं ना, इज्जत माण सत्कार करना, ते अगले दी गल नूं स्वीकार कर लेना। मेरे सच्चे सतगुरु जी आखते ने संतां सेती रंग ना ला। ते फिर करदा की है, साकत संग विक्रम कमाए, रब दे नालो टुटे हुए बंदियां दे नाल रल के ये भैड़े कर्मां दे विच खचत हो जांदा है। जिवें औरंगजेब बादशाह 22 धड़ दे राजियां दे नाल मिल के कपट ते पाप करांदा कमांदा है, संतां सेती रंग ना लाए। उहदा गुरु कलगीधर पातशाह जी दे नाल कोई प्यार नहीं सी, साकत सेती विक्रम कमांगे। ते हजूर तो पुछिए, मालक जी रहमत करनी, फिर ऐसे बंदियां दे ले की हुक्म है तुहाडा। ते मालक जी दी बाणी कहिंदी है, दुर्लभ देखोई अग्ञानी, उस मनुख ने आ दुर्लभ देही जेड़ी सी वह खो दिती, खत्म कर दिती, मुका दिती, जिन्हों सतगुरु गुरुदेव महाराज जी आखते ने कि भई प्राप्त मानुख देव वरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया,
अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। उस दुर्लभ देह नू मालक जी की बाणी कहती है, दुर्लभ देह दुर्लभ देह कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, मानो उन्हें अपनी जड़ आप ही पुट ली। साचे न गुरु दे बचन कदी भी झूठे न की। गुरु कलगीधर पातशाह जी नू मकाउण वाला, गुरु सच्चे सतगुरु जी नू खत्म करन वाला औरंगजेब बादशाह जदों जफरनामे की चिट्ठी जांदी कै ते साहब की चिट्ठी नू पढ़ के आप ही खत्म हो जांदा कै। मालक की बाणी कहिंदी दुर्लभ देह कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़े जियो, मानो उन्हें अपनी जड़ आप ही पुट ली गए। वजीर खां वर्गे जिन्हां दुष्टां नू ये भी नहीं समझ लगी कि जिस कुरान नू असी पढ़ते हाँ वो कुरान भी इस गल के खिलाफ है कि बच्चियां नू सज़ा नहीं दिती जाती, पर फिर भी उन्हां बच्चियां नू सज़ा दे रहे। ते मालक दी बाणी कहिंदी है इन्होंने अपनी जड़ अपने आप ही पट्टी है। क्यों पट्टी गए? क्योंकि रब विसर गया है, परमात्मा विसर गया है। ते मेरे सच्चे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते मैं बेनती करदा गा कि गुरु कलगीधर पातशाह जी दे इतिहास की केवल व्याख्या ना करिया करो। जदों भी गुरु कलगीधर पातशाह जी दे बचना नू इतिहास नू पढ़ना कहें तो गुरबाणी नू जरूर नाल लैके तुरिए। ते मेरे सच्चे सतगुरु गुरुदेव महाराज जी की बाणी फिर सानू ये बख्शिशां रहमतां दे नाल निवाज दी गए। सच्चे सतगुरु गुरुदेव पातशाह जी आखते ने कि जिन्हां नू परमेश्वर परमात्मा भुल जांदा है ना, ते सच जाणियो हजूर आखते ने बसंत स्वर्ग लोका, बसंत वस दे। जे स्वर्ग वर्गे देश दे विच ऐसे भैड़े मनुख वसदे कौन, जित ते पृथ्वी नव खंडना। जे सारी धरती नू ऐसे मनुख ऐसे पापी दुराचारी दुष्ट लोग अपनी दुष्टता दे नाल जित लैण, अगे हजूर दे की बचन ने मालक जी परमोंदे ने बिसरंत हर गोपाला नानक दे प्राणी उद्यान परमण। पर हे नानक जे जगत दे रखक प्रभु नू विसार देन ता ओ मनुख मानो जंगल दे विच भटक रहे ने। एक पासे मेरे सतगुरु जी आखते ने जंगल भी आनंद का घर बन जाता है, जे जंगल दे विच बैठ के परमेश्वर की याद आवे जिमें गुरु कलगीधर पातशाह जी माछीवाड़े दे विच बह के मेरे सच्चे सतगुरु की इबादत करते ने। ते मेरे हजूर गुरुदेव महाराज जी रहमतां दे खजाने रहमत करते ने। कोतक कोड तमाशिया जगत दे करोड़ां चोज तमाशियां दे कारण चित न आवस नाओ, चित ख्याल चित न आवस नाओ, प्रभु दा नाम याद नहीं रहा, चेते नहीं रहा, ख्याल नहीं आया। ते हजूर जी आखदे नानक कोड़ी नरक बराबर है, कोड़ी दे अर्थ ने करोड़ा नरकां दे बराबर, उजड़ सोई थां, ओ थां उजाड़े वाली है, ओ थां मानो इतनी इतनी भयानक है कि जिथे परमात्मा दा नाम नहीं वसदा उहदा हाल की हुंदी है। सतगुरु की बाणी तो गवाही लगे ते मालक की बाणी कहिंदे जिथे नाम नहीं है, एक लख पूत सवा लख नाती तह रावण कर दिया ना बाती, उजाड़ा पै गया। मालक दी बाणी कहिंदी कै कि बसंत स्वर्ग लोक है जिते पृथ्वी नव खंड ने बिसरंत हर गोपाला नानक दे प्राणी
उद्यान भरमण है कुत कोट तमाशिया चित न आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सी था। ते अगे हजूर ने जैसरी की वार दे अंदर ये पौड़ी बयान की मालक जी आखते ने महाभयान उद्यान नगर कर मानिया बड़े डरावने जंगल नू जीवां ने शहर समझ के मन अंदर वसाया हुआ झूठ समग्री पेख सच कर जानिया है ये झूठ झूठ ही है ना। मेरे मालक की बाणी कहिंदी कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। ते चेता रखियो मालक ने कूड़ क्यों आख्या उत्ते क्यों कूड़ आख्या उहदा जिक्र किया मेरे मालक जी ने अखीर दे अंदर सचे साहब जी आखते ने कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा सोने नू पाउन वाले भी कूड़ ने कूड़ पहननहार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणे बेड़ती तुदबाज कूड़ो कूड़। मेरे सचे साहब जी आखते ने कि दाता तेरे तो बगैर तेरे तो बिना समझ दिया ना जिथे मालक दी वाहगुरु दी याद न की हजूर आखते ने उदे तो बगैर जो कुछ भी कह वो सब कूड़ कह झूठ कह होर कुछ भी ना तुदबाज कूड़ो कूड़ वो झूठ है जी वो सत नहीं है। भावें दुनिया के सारे सुख एकत्र क्यों ना कर लिते जान पर जे परमात्मा की वाहगुरु की याद नहीं पढ़ो साहब के बचनों गुरु नानक देव पातशाह जी के पहले बचन ने मालक जी आखते ने कि हे वाहगुरु जी मोती ता मंदर उसरै मैं केवल टूक मात्र बेनती करनी मोती ता मंदर उसरै रतनी ता होए जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख भूलां विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। बचन पढ़ियो ये बचन मेरे सचे सतगुरु जी ने यह पंक्ति चार बार लिखी है चार बार जेडे बाणी नूं पढ़दे ने भली भांत जाणदे ने चार बार मेरे हजूर ने इन्हां बचना नूं इस पंक्ति नूं शब्द दे विच बयान कीता मत देख पूलां विसरे इहदा कुछ संबंध सी इह नहीं असीं कर सकदे कि तिन्ने हाँ तिन्ने समान अर्थक शब्द हो सकते ने भुल जाना विसर जाना चेतना आना ये समान अर्थक ने पर इन्हां दा कोई भाव भी है। भाव की है सब तो पहला सतगुरु जी आखते ने मत देख भूलां भुल जाना बंदे नूं काम क्या होवे ना बंदा बाजार जांदा कहे ते जो वापस आउंदा उह कहिंदा जी मैं भुल गया घर आके चेता आ गया पर वो भुल गया भुलिया किस समय दे लई थोड़े जे समय दे लई भुल गया मानो बंदा काम दे विच रुझा गया काम दे विच रुझियां रुझियां सोधर दी बाणी दा समा वक्त निकल गया काम दे विच इतना रुझा सी समय दे वल ध्यान नहीं गया भुल गया ये थोड़ा जा समा भुल जाना। अगे विसर जाना कई बारी किसी बंदे दे नाल तुहाडी बड़ी नेड़ता हुंदी है पर कुछ कारणां करके एक दूजे तो दूर हो जानेगा इतने दूर हो जानेगा कि असी उन्हूं फोन करना भी छड़ दिंदे हां उहदे घरे आना जाना भी छड़ दिंदे हां ते बंदा की कहिंदा तू ते यार मैनूं वसार ही दित्ता वसार दित्ता कि
ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵਿਆਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 700 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 888 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 788 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੇ, 88 ਅਤੇ 99। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਕੱਖ ਤੀਲੇ ਇਹ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਤੀਲੇ ਪਰਾਲੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੇਵਲ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਨਾਰ ਖਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੇ?
ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਹਿ, ਕਹਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬਾਈ ਧੜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਧੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ, ਇਹ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਿਲਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨੇਕ ਕਰੋ, ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਫਰ ਕਹਿ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ, ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਨਾ ਪੀਂਦੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
बड़ी दुख की गल है साढ़े लिए। असं सिख है ना, सिख सिख पग बन लैण का नाम नहीं है, सिख दाड़ा रख लैण का नाम भी नहीं है, सिख अमृत छक लैण का भी नाम नहीं है, सिख भावना का नाम है। स्वीकार कर दी असी गल, सिख भावना का नाम है, भावना का जेड़े भावना के नाल जुड़े ने वह सिख ने, ते जेड़े भावना दे नाल टुट गए ने वो सिख नहीं। मेरे साहब गुरुदेव महाराज जी आखते ने कि तुसी दुख देना चाहते हो पर सुख देण वाला मेरा परमात्मा मेरे हिरदे दे अंदर वसदा है। जिस परमात्मा ने बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता, उन्हें अंदर दे बंधन कट दिते ने, अंदर दे बंधन कट के मन निर्मल है। ते मालक दी बाणी कहिंदे नानक प्रभ अबनासी, तुसी गुरु गोबिंद सिंह नू मारना चाहुंदे हो, गुरु गोबिंद सिंह ओदी शरण दे विच गए जो कदी मरदा नहीं। परमात्मा अबनासी है, इहदा मतलब गुरु कलगीधर पातशाह जी भी अबनासी ने। अबनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निदान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई, मेरे मन जप गुरगोपाल प्रभ सोई, जांकी शरण पिया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई। जिथे दुख नहीं मिलता वो मेरे सच्चे साहब की शरण है। मालक की बाणी कहती नानक प्रभ अबनाशी, ता कि सेब ना बिरथी जा सके। तुसी दुख देना चाहते हो गुरु नू, मालक दी बाणी कहती है मैं ओदी सेवा करदा का जिदी सेवा करके तिल नहीं भन्ने काले, वो तिल मात्र भी हेरा फेरी नहीं करदा, बेनसाफी नहीं करदा, वो किसी दी कीती हुई कालना नू अजिहा नहीं जान दिंदा। मैं ओदी सेवा करदा का, तुसी दुख देना चाहते हो, आनंद करें तेरे दासा, मेरे वाहिगुरु जेड़े तेरे चरणों के विच जुड़ जाते हैं तो सदा ही आनंद जीवन बतीत करते ने। जप पूर्ण हुई आसा, उन्हां दी इच्छा ही इको है, आखां जीवां विसरे मर जाओ, उन्हां दी इच्छा है, अंदर दी इच्छा है, उन्हां दी आत्मा दी डिमांड है, उन्हां दे अंदर दी खुराक है कि मैं आखां आखी जावां, मैं वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह करी जावां, बार की अवस्था है कोई फर्क नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, बाहर दी अवस्था अंदर दी अवस्था नूं तोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती, इहदा जवाब सुन लो। मालक दी बाणी कहिंदी प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, अंदर दी डोरी तेरे हाथ वास है, ते जदों तक डोरी उहदे कोल है फिर कोई डुला नहीं सकता। ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कदी हंकार नहीं किया इस गल का। साहब जी आखते ने जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा दे वाहगुरु जी दे हुक्म दे विच हो रहा, जे करावै सो करना, नानक दास तेरी शरणा। मालक जी जे आनंदपुर दे विच बैठे ने तां वी वाहिगुरु दी शरण दे विच ने, जे सरसा नदी दे उत्ते पहुँचे ने ते तां वी वाहिगुरु दी शरण दे विच ने। भावें कुदरत, भावें मुल्क, भावें मुल्क दे बशिंदे सतगुरु जी दे उल्ट हो गए ने, पर सतगुरु गुरुदेव पातशाह जी हमेशा ही परमात्मा की शरण के विच सन। ते मैं बचन आखे सन आरंभता दे वेले, असी जिस हुक्म की व्याख्या करके दसदे आ ना, गुरु कलगीधर पातशाह जी ने उस हुक्म नू किवें जिउणा गए ये ज्यों के विखा दिता। मालक की बाणी कहिंदी प्रभ की अकथ कहानी, परमेश्वर दे वाहिगुरु जी दे घर की जिहड़ी कहानी है ना अकथ है। अकथ दे अर्थ समझदे आ ना, कथ
कथ देना बयान कर देना, पर उस वाहिगुरु जी दे घर दे हुकम नूं तुसीं किवें बयान करके दसोगे। प्रभ की अकथ कहानी जन बोलै अमृत बाणी, जिहड़ी ना बयान करन वाली वाहिगुरु जी दे घर दी मर्यादा है, उहदा हुकम है। रब दे प्यारियां ने उस हुकम नूं मन के जीवन दे विच लागू करके दस दिता, ये भी वाहिगुरु दा ही हुकम है। जे राज दे उत्ते उन्हें बिठाया गया तो वह भी हुक्म है, जे राज तो थले आ गए तो यह भी उहदा ही हुक्म है। नानक दास वखाणी गुरपुरे ते जाने, उहदा दास बन के उहदा सेवक बन के इस खेड नूं इस रमज नूं संपूर्ण रूप दे विच समझिया जा सकदा है। ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने सच जाने हो दास जान के दास समझ के अपने आप नूं बालक समझ के वाहिगुरु जी ने वाहिगुरु जी दे इस हुक्म नूं प्रवान कीता। ये बड़ा मुश्किलात समा साडे जहन दे विचों ना, साडा जहन आज जिहड़ी साडी बुद्धि है, भावें तुसी भावें मैं भावें साडे कौम दा जिहड़ा मर्जी महान तो महान बंदा होवे, पर उहदे जहन दे अंदर एक गल कदी नहीं भुलदी, वह की है घर। रब भुल जाएगा घर कदी नहीं भुलदा, परमात्मा दियां वडियाईयां भुल जाणगियां पर परमात्मा दियां दातां दित्तियां नहीं भुलदियां। परमात्मा की सिफत सलाह भुल सकती है, उहदियां जिहड़ियां दातां उहनां नूं देखदा है, परिवार है कारोबार है ये नहीं कदी भुलदा। ते हर वक्त मनुख दे जहन दे अंदर जदों भी कोई तस्वीर छपदी गए, जदों भी मनुख कोई कर्म करदा गए, ते इस नूं ध्यान दे विच रख के कर्म करदा गए। जानदे इस गल नूं कि जदों भी मनुख अपनी जिंदगी दे अंदर कोई कर्म करदा ना, तां सब तों पहलां अपने घर नूं अपने परिवार नूं अपने बच्चियां नूं सामने रखदा गए। क्यों रखदा है? जो मैं कर्म करन लगागा इन्हां कर्मां दे नाल इन्हां नूं सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैनूं सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने अखां दे सामने रख के अपने वड्डे साहिबजादे शहीद हुंदे वेखे ने, शहीद हुंदे देखे ने। ये मैं मेरे गुरु कलगीधर पातशाह जी वर्गे ही कर सकदा के होर कोई नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, तुलना कर रहा हाँ, ये चेता रखियो, निंदा नहीं मैं करता किसी की, क्योंकि साहब की बाणी कहिंदे निंदा भली किसे की नांगी। मनमुख मुग्ध करना, असी मनमुख नहीं हाँ, असी गुरु वाले हाँ, तो गुरु वाला कभी किसी की निंदा नहीं करता। भगवान श्री रामचंद्र जिन्हों दुनिया पूजती है, इन्हां दे पिता जदों पता लगा कि पुत्र नूं 14 सालां दा बनवास हो गया है, इस सदमे नूं इस पीड़ा नूं वह बर्दाश्त नहीं कर पाए, जर नहीं पाए। दशरथ सी ना इन्हां दे पिता दा नाम, ते जदों पता लगा कि इदां करके आ कारण बन गया गए, महल दे उते चढ़िया छाल मार दित्ती। हालांकि 14 सालां बाद उन्होंने वापस आ जाना सी, पर उस चीज़ नूं बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाप है ना, बाप है, वह किवें बर्दाश्त कर लवे? अंदर मोह दियां तंदां ऐसियां घुट के बजियां ने, उन्हां दियां मोह दियां तंदां ने भुला दिता कि यह प्रकृति का मिलना ते विछोड़ा एक नियम है। पर सदके जाओ गुरु कलगीधर महाराज जी दे, असी कोई भी चीज़ कर्म करते हैं तो साडियां अखां दे सामने सब तो पहला परिवार हुंदा है,
कारोबार हुंदा कि कारोबार हुंदा कि इन्हां चीज़ां नूं देख के साडे साडे फैसले हुंदे ने, क्यों किते इन्हां नूं नुकसान ना हो जावे। कोई बाप चाहुंदा है कि मैं एडा घाटा खा जावां ते मेरे पुत्तर भी उन्हां दा जीवन ही खत्म हो जावे, नहीं, कोई नहीं चाहुंदा। इस करके असी जिथे सच बोलना हुंदा है ना उत्थे दड़ वट जाने का, जिथे सच बोलण दी गल हुंदी है उत्थे असी दड़ वट जाने, चुप कर जाने कि नहीं छड्डो, एवें खाम खा दा वैर पैदा करना है, क्योंकि सच बोलण दा मतलब भी वैर पैदा करना है। ते असी साडी सियाणप है कि जिथे रहीए ना उत्थे वैर नहीं कमाईदा हुंदा। पर गुरु कलगीधर पातशाह जी जदों गल आ के फनियर साहब पै गए ने ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने तो जवाब देना ही सी ना, मेरे हजूर ने अपने लखते जिगरां दे टोटियां नूं जिहड़े कदी मेरे मालक जी ने अपनी कुछड़ दे विच चुक के गोद दे विच चुक के लाड लड़ाए ने। असीं इंसान हाँ, अजे तो पशु दे भी अखां दे विच अथरू आ जांदे ने। असीं इंसान हाँ, कदी सोच के तो देखो कि गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं उड्डे उड्डे किते हुए मिले, साहिबजादे मिले सन, उन्होंने भी तो अपनी कुछड़ दे विच चुक के उन्हां नूं लाड लड़ाए होणगे, उन्हां दे भी तो मन दे अंदर तमन्ना होवेगी ये मेरे अंश बंश दे दीप ने, दीवे ने। ते जे चारां दे विचों दो ही रख लईए, जे गुरु कलगीधर पातशाह जी चेता रखियो, जे गुरु कलगीधर पातशाह जी अपने महलां नूं भाई मनी सिंह जी दे नाल दिल्ली भेज सकते ने कि पुत्रां नूं नहीं भेज सकते? भेज सकते ने ना, नहीं। पर उन्हां नूं पता सी जीवन की कमजोर कड़ी की है, मेरे मालक जी ने अपनियां जिहड़ियां महलां सन उन्हां नूं दूर कर दिता कि तुसीं दूर जाओ, क्योंकि अगे की जिहड़ी खेड है ये साडे पुत्रां दी ते साडी है, इहदे विच केवल ते केवल परमात्मा हाजर नाजर रहेगा, तुसीं इस खेड नूं नहीं देख सकते। मालक जी ने दूर कर दिता उन्होंने, कि गुरु कलगीधर पातशाह जी अपने पुत्र नहीं सी दूर कर सकते? कर सकते सन, नहीं किते, क्यों? क्योंकि आने वाले समय ने कहना सी कि देखिया गुरु कलगीधर पातशाह अपनी भी जान बचा गया, अपने पुत्रां दी भी जान बचा गया, मार गया किन्हां नूं, जिहड़े बेचारे इन्हां दे दास सन, नाले ते पानी ढोंदे रहे, ते जदों मरन दी वारी आई ते उन्हां नूं अगे कर दिता। मेरे मालक जी आखते ने कि मैं मर जावांगा, पर यह नहीं सुनना चाहता कि गुरु कलगीधर पातशाह जी ने सिख होर ते पुत्र होर समझे। ऐसी मेरे साहब जी की शहादत, ऐसी मेरे साहब जी की कुरबानी, जिस कुरबानी दे लवे तवे भी दुनिया की कोई भी मिसाल नहीं असी दे सकते। है कोई मिसाल भखते हुए सूरज दे अगे कोई असी दे सकते हैं कि उहदे वर्गा होर कोई है? कोई भी नहीं, उते कल्ला ही है। जिवें सूरज पखदा कै इदां ही गुरु कलगीधर पातशाह जी रब दे नाम दे नाल पख रहे ने, चमक रहे ने, उहनां दे लवे तवे भी कोई नहीं। ना होया ते ना ही हो सकदा कै, इतनी वड्डी कुरबानी है। ये नहीं कि मरण तो बाद गुस्ताखी की माफ़ी, असी मरण शब्द कई बार ना बड़ा माड़ा समझते हाँ। ते मैं बेनती करदी हाँ, शहीद शब्द केवल दो बारी आया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर, खालसा शब्द एक बारी आया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर, ते मरण शब्द ते बड़ी बारी आया। पहला मरण कबूल, कबीर मरता मरता जग मुआ मर पे ना जाने कोए, ये ते बड़ी बारी आया शब्द। मालक जी दी बाणी कहिंदी है कि मरण नूं माड़ा ना आखो, हाँ जेकर किसी नूं मरण दी जाच आ जांदी कै वह सूरमा है, वह बहादुर है, वह अणख वाला बंदा कै जिन्हों मरण दी जाच आ गई। इस करके शब्द कोई भी होवे असी माड़ा नहीं कहना। मेरे साहब गुरदेव पातशाह जी ने इतना वड्डा कौम दा जिन्हों कहिए गुरु होण ते उन्हां दे पुत्रां दे तन दे उत्ते एक चादर भी ना पाई जावे, ये अफसोस की गल है ना। पर गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं इस गल का कोई अफसोस नहीं,
कोई अफसोस नहीं। दुनिया है, इस रीत है, आना जाना गए, पर जिन्ना दी गैरत अणख मर जाती है उस समय तो पहले ही मर जाते हैं। जिन्ना दी अणख गैरत जागती है समा उन्होंने कदी नहीं मार सकता, कदी नहीं मार सकता। असी उस आवाज दे अंदर सतगुरु जी दे घर की शहादत नूं, सतगुरु जी दे पुत्रां दी शहादत नूं बुलंद ही नहीं कर पाए। जितनी वड्डी शहादत उन्होंने दित्ती गए असी समाज संसार दे अगे उस उतनी उच्ची रुतबे दे नाल रख ही नहीं पाए कि गुरु कलगीधर पातशाह जी 7 ते 9 साल दे साहबजादे जिंदे जी, इन्हीं के मरण तो बाद जिंदे जी, जिन्हां नूं नीहां दे विच ओ मासूम, जिन्हां दा कोई कसूर ही नहीं सी, उन्हां दी मासूमियत नूं देख के हर मनुख दा दिल पिघल आउंदा है। एक कैसे सन जिहड़े कुरान नूं पढ़न वाले सन, एक कैसे हिंदू सन जिन्हां ने जनेऊ पाए हुए सन, पर जनेऊ ते पाए सन कुरान ते पढ़दे सन, पर इन्हां दे दिलां दे अंदर रहम नहीं सी, रहम नहीं सी। वो मासूम, वो गुरु कलगीधर पातशाह जी दे लाल ते मालक भी कहिंदे होणगे कि तुहाडे मन अंदर किसे चीज़ की घाट ना रह जावे, तुसी तसीहे दे के देख लो, तुसी मेरे पुत्रां नूं भी शहीद करके देख लो, मैं फिर भी नहीं डोलांगा, गज के आखू सतनाम नहीं डोले मेरे कजू। सच्चे सतगुरु जी अज दे दिन माछीवाड़े दे जंगलां दे विच आके मेरे मालक जी बैठे ने ते हजूर जी ने उत्थे बचन उचारण कीते। वो बचन कह के मैं समाप्ति करां। मालक जी आखते ने मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुध बिन रोग रजाइयां दे उड़न, नाग निवासां दे रहना, सूल सलाह सलाही खंजर प्याला, विंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। मालक किरपा रहमत करन, साडे सरबत दी हाजरी अपने घर प्रवान करन, यही अरदास बेनती जोदड़ी सतगुरु जी दे